हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सितंबर की 18 तारीख है और मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कागजी नींबू के प्लांट की केयर को लेकर वीडियो शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में कागजी नींबू के पेड़ को गमले में ग्रो करने को लेकर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस प्लांट को मैंने 3 साल पहले ग्रो किया था। उस टाइम पर इसको लगाने का वीडियो तो नहीं लिया था, लेकिन मेरे पास इसकी उस टाइम की एक फ़ोटो है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्लांट पर इस साल मार्च के महीने से फूल आना स्टार्ट हुए और पिछले महीने तक भी इस पर फूल आ ही रहे थे, जिस कारण अभी भी इस पर 100 से भी ज़्यादा नींबू लगे हैं और ये सभी नींबू तोड़कर यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम इनमें से रोज़ 1 या 2 नींबू तोड़ रहे हैं क्योंकि इनमें अभी भी नई नई कलियाँ डेवलप हो रही हैं। अगर मैच्योर फ्रूट को नहीं तोड़ा गया तो ये कलियाँ अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इस प्लांट से ज़्यादा फल पाने के लिए मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डाला था उसकी बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं इसके गमले के साइज और इसकी मिट्टी के बारे में। अगर छोटा प्लांट है तो उसे डायरेक्ट बड़े गमले में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे प्लांट जनरली 10 से 12 इंच के गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। छोटे प्लांट को डायरेक्ट बड़े गमले में लगाने से उनकी जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं और वो लंबाई में तो बढ़ता है पर उस पर फूल नहीं आते। मैंने स्टार्टिंग में इसे 12 इंच के पॉट में लगाया था, लेकिन 2 साल के बाद इसे 18 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसकी रूट्स बाउंड होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने ये प्लास्टिक का गमला यूज किया है। आप चाहें तो मिट्टी या सीमेंट के बड़े गमले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किसी दूसरी जगह में भी शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए आप इसे किसी ड्रम को काट कर भी लगा सकते हैं। बड़े गमले का दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इस पर समय समय पर गुड़ाई करना या फर्टिलाइजर डालना आसान हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। जब भी आप गमले में प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसे डायरेक्ट ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में न रखें। उसे या तो किसी स्टैंड पर रखें या किसी ईंट का बेस बनाकर उसके ऊपर रख दें, क्योंकि गमले के नीचे के ड्रेनेज होल से इसमें कई इंसेक्ट आसानी से अंदर चले जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे प्लांट को खराब कर देते हैं। और बरसात के महीने में तो ज़्यादा पानी के कारण इन ड्रेनेज होल से कई बार प्लांट फंगल अटैक से भी खराब हो जाता है। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं। फ्रेंड, मैच्योर प्लांट हैवी फीडर होते हैं, इसलिए इनकी मिट्टी में 50% कंपोस्ट जरूर मिलाएं। बाकी 50% में आप गार्डन सॉइल, सैंड और नीम खली को बराबर रेशियो में ऐड कर सकते हैं। जो लोग सीमेंट या मिट्टी का गमला यूज करते हैं वो इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट डालने से तेज गर्मी में भी प्लांट पानी की कमी से मुरझाता नहीं है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी में कोकोपीट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनमें वैसे ही पानी ज़्यादा स्टोर रहता है। बड़े गमले में प्लांट को ग्रो करने के लिए गमले को मिट्टी से पूरा न भरें। इसमें लगभग 2 इंच का स्पेस छोड़ दें जिससे पानी देने या गुड़ाई करने में आसानी हो। इस प्लांट के लिए फर्टिलाइजर की बात करें तो ज़्यादा फल लेने के लिए इसको रेगुलर वे में फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत होती है। जनरली हम सोचते हैं कि अगर एक बार अच्छी मिट्टी तैयार करके प्लांट को लगा दिया तो ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी और प्लांट हमें लगातार फल देगा। जनरली इस तरह के पौधों को हर महीने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अगर हम अपने गार्डन में फल और सब्जियों वाले प्लांट ग्रो करते हैं तो उन्हें कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर ना दें। मैं जनरली अपने फ्लावरिंग प्लांट को सितंबर अक्टूबर के बाद केमिकल फर्टिलाइजर दे ही देता हूँ, लेकिन इस प्लांट को मैं होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देता हूँ जिनमें केले के छिलकों की खाद और किचन वेस्ट से तैयार की गई खाद मेन है। घर पर फ्री में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस प्लांट को मैं लगभग 20 से 30 दिन में एक बार लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देता हूँ जिससे इस प्लांट की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहती है और इस पर ज़्यादा फूल आते हैं। ज़्यादा फूल आने से इसमें फल भी ज़्यादा आते हैं। इस प्लांट पर अभी भी नए नए फल आने में ही हैं और इसलिए मैं इसके फलों को लगातार तोड़ते भी रहता हूँ। वैसे जो लोग लिक्विड फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहते वो इसमें गुड़ाई करके महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टाइमली फर्टिलाइजर देने से ही इस पर ज़्यादा फूल बनते हैं और धीरे धीरे ये सभी फूल फलों में बदल जाते हैं। फ्रेंड, जिस तरह हम एक ही टाइप का खाना खाकर अपने सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह एक ही खाद बार बार देकर भी प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती।
इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इनमें बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करें। जैसे पहले महीने में अगर कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दिया हो तो अगले महीने में फर्टिलाइजर को चेंज कर दें, यानी कि उसको आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं या आप स्प्रे करके भी प्लांट को फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इससे प्लांट की ऑलमोस्ट सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और आपको बड़े आकार के फल मिलते हैं। फ्रेंड, मेरे पास जो ये वैरायटी है उस पर ग्रुप में फल आते हैं और अगर इसको टाइमली तोड़ा नहीं गया तो फिर ये फटने लगते हैं। इसको पानी देने की बात करूँ तो इसे तभी पानी दें जब इसके ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे। इसके लिए आप उंगली को गमले की मिट्टी में प्रेस करके देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर की 2 इंच तक की मिट्टी ड्राई लगे तभी इसको पानी दीजिए। अगर लोकेशन की बात करें तो इसे लगभग 6 से 8 घंटे की सनलाइट वाली एरिया में ही रखें। मैंने इस प्लांट को पूरी सनलाइट में ही रखा है जिससे इसको ग्रो करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर मिल जाए। अगर आपने इस फ्रूट वाले प्लांट को छायादार वाली जगह पर रख दिया तो इसमें फूल नहीं आएंगे, बस प्लांट खाली ग्रोथ करेगा। फ्रेंड, किसी भी पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इसमें 15 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी जरूर करें। जनरली इसकी पत्तियों में एक अलग प्रकार की खुशबू आती है जिसके कारण इस पर इजीली कोई पेस्ट नहीं लगते। फिर भी इनको कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल एक बेस्ट मेथड है। अगर किसी कारण इस प्लांट पर फूल नहीं आ रहे तो फरवरी के महीने में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इससे इसमें नई नई ब्रांचेज आएंगी जिनमें फूल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अपने इस प्लांट को लास्ट ईयर मार्च में प्रून किया था, वैसे अभी इसको प्रूनिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि नींबू के प्लांट को गमले में ग्रो किया जा सकता है कि नहीं, तो आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने आपको वही बताया जो मैंने अपने प्लांट की केयर के लिए किया। आपको ये प्लांट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए भी मुझे कमेंट करना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।